देश में पिछले कुछ समय से ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साथ ही लोग खरीदारी के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं। इसके साथ ही ई कॉमर्स में होने वाली गड़बड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ग्राहकों के साथ होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए गाइडलाइंस लाने जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने और कामकाज में सुधार करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए उनके जवाबदेही तय कर दी गई है। सरकार ने इन गाइडलाइंस पर सभी स्टेक होल्डर्स से 16 सितंबर तक राय मांगी है। सभी पक्षों की राय जानने के बाद अक्टूबर में फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। सरकार ने नई गाइडलाइंस में ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को 14 दिनों में पूरा रिफंड करना होगा। ग्राहकों की शिकायतों का एक महीने में हल करना होगा। ड्राफ्ट में सरकार ने कहा कि ग्राहकों की मुश्किलों के समाधान के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को एक ग्रीवेंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी देनी होगी। ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कहा कि अब कंपनियां सामान की कीमत तय नहीं कर पाएंगी, साथ ही वेबसाइट पर मौजूद सभी सामानों की जवाबदेही विक्रेता की होगी। कंपनियां सेल बढ़ाने के लिए फेक रिव्यू भी नहीं करा पाएंगी। कंपनियों को 90 दिन में भारत में रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। कंपनियों को विक्रेताओं की पूरी जानकारी के साथ ग्राहकों का डेटा भी सुरक्षित रखना होगा। तो अब देखना होगा कि ये गाइडलाइंस कब तक लागू होती हैं और क्या इनके लागू होने से ग्राहकों की मुश्किलें दूर होती हैं।